इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले इतना से शुरू होगी।
कल से क्लासेस शुरू होने के बाद हम लोगों को आप लोगों को किट मिला है, पूरा एक बैग के साथ जो है यूनिफॉर्म मिली है, यूनिफॉर्म जो पैंट शर्ट और बच्चों को लड़कों को और जो सलवार सूट जो है बच्चों को मिला है वो ही पैक कर हमें आना है। ये टी शर्ट हम लोग जो ग्रीन वाली जो हम लोग देख रहे हैं ये टेस्ट के दिन या संडे के दिन जब भी हमें आना होगा संस्थान तब तो हमें पैक किया है। तो यूनिफॉर्म ताकि यूनिफॉर्मिटी नजर आए, आप देखेंगे कि अलग के जो टीचर्स हैं वो सब भी एक यूनिफॉर्म में ही आते हैं, तो बच्चे भी जो है यूनिफॉर्म में ही संस्थान के अंदर प्रवेश करना है। साथ में आप लोगों को एक यूआईडी कार्ड जो है मिला है, वो आपकी पहचान है, उसे लेकर जरूर आना है। जब भी संस्थान में हम लोग आएंगे आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर जो पीछे की तरफ बिल्डिंग है यहाँ से जो है इनका एंट्रेंस गेट है, फर्स्ट फ्लोर पर आपको जाना है बच्चों ए ब्लॉक के अंदर, वहाँ पर आपकी अलग अलग क्लासरूम जो जो आपको बैच अलग हुए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस लगेगी। वहाँ पर जाते ही जैसे ही फ्लोर पर हम लोग एंटर होंगे इस यूआईडी कार्ड को हमें जो है पंच करना है, जैसे ही यूआईडी कार्ड को पंच करेंगे उसमें ओके लिखा आता है तो इसका मतलब हमारी जो है अटेंडेंस रजिस्टर्ड हो गई। ये अटेंडेंस हमारी लगना बहुत आवश्यक है क्योंकि जिस दिन आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, मान लीजिए आपने पंच नहीं किया या मिस पंच हुआ आप लोगों से, तो उस दिन आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके पेरेंट्स में के पास जो है वो मैसेज चला जाएगा, तो पेरेंट्स अनावश्यक रूप से परेशान होंगे। नहीं तो इसकी हैबिट हम लोगों को बनानी है कि जब भी आएंगे अपन एंटर होंगे अपने फ्लोर पर जैसे ही पहुंचेंगे हमें वो जो है अटेंडेंस कार्ड जो है पंच करना है। फिर हम लोग जब क्लासरूम में बैठेंगे तो आप देखिए कि अभी जिस तरह से मैंने अभी कहा आपको कि एलएम की क्लासरूम की शुरुआत जो है एलएम प्रार्थना से होती है, यही प्रार्थना आप लोगों को याद रखनी है। ये प्रार्थना जो है आपके जो है वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर सभी जगह पर डिस्प्ले है, आपके मॉड्यूल के अंदर उनमें भी है, तो ये प्रार्थना हमें जो है प्रतिदिन करनी है, उसके बाद ही हमारा जो है एकेडमिक वर्क जो है शुरू होगा। तो ये प्रार्थना का हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग हमारे जो है आप लोगों को बैग मिला है उसमें छाता भी है, उसमें आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी मिला होगा, तो वो स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल्स आप लोगों को मिले हैं वो मॉड्यूल्स में सब थ्योरेटिकल पार्ट उसके अंदर ऑलरेडी कवर है, आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल जो है खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स वगैरह जो है एक्स्ट्रा बुक करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब मॉड्यूल में ही जो है सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल पार्ट और क्वेश्चन गाइड वगैरह सब उसके अंदर ऑलरेडी कवर है, तो वो मॉड्यूल हमें लेकर आने हैं। जब जब हमारे जिस इसके लेक्चर होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें वो मॉड्यूल्स लेकर आने हैं। मॉड्यूल के साथ साथ हमें जो खरीदना है वो क्या करना है, खरीदना है रजिस्टर्ड और पेन आप लोगों को लेकर आने हैं, हम लोगों की जो भी नोटबुक है वो लेकर आनी है ताकि हम लोग यहाँ पर पूरे एक्टिवली जो है बैठ कर उस नोटबुक के माध्यम से हम लोग जो है उसमें नोट कर सके, जो भी सर शॉर्ट नोट लिखवाते हैं, जो डायग्राम ड्रॉ करवाते हैं, जो चीजें हमें बताई जाती है उनको पर शॉर्ट नोट में नोट कर सके, उसके लिए वो नोटबुक और पेन हम लोगों को लेकर आना है। ठीक है, फिर हम लोग जैसे कई बार बच्चे आते हैं कि सर बोर गया, तो 11th के अंदर की जो एनसीईआरटी बुक है वो आप लोगों को लेकर आना है, 11th की एनसीईआरटी बुक, वो एनसीईआरटी बुक इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो हमारे एकेडमिक करिकुलम में भी जो है काम आएगी, और हम लोगों ने देखा है कि नीट की प्रिपरेशन में जो एनसीईआरटी बेस्ड भी हम लोग जो चलेंगे तो वो भी रेगुलर जब जब टॉपिक हमारा कवर होगा वो एनसीईआरटी भी हमारी साइमल्टेनियसली कवर होनी चाहिए, तो वो भी रेगुलर बेसिस पर हमारी कवर हो उसके लिए जो है हमें एनसीईआरटी बुक जरूर हमें लेके आनी है, अगर वो नहीं परचेज की है तो वो जरूर परचेज करें, बाकी और कोई एक्स्ट्रा बुक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीछे मॉड्यूल के भी क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा आपको रेसेस दी जाएगी और रेगुलर जो है एनालिसिस जो है प्रैक्टिस जो है उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन गाइड दिया जाएगा, रेगुलर आप लोगों से जो है क्वेश्चन की जो है फॉर्मेट वो सब मिलता रहेगा, वो आप लोगों को आपका जो काउंटर रहेगा वहीं से आपके फ्लोर पर जो आपका काउंटर रहेगा वहीं से उसकी अवेलेबिलिटी होती रहेगी। अब हम लोग जब क्लास में बैठेंगे बच्चों तो क्लास का जो शेड्यूल रहेगा मैंने कहा प्रार्थना के बाद आप लोगों का 4 लेक्चर आपके जो है डेली बेसिस पर होंगे, 6 डेज संडे ऑफ रहेगा आपका, उन 4 लेक्चर के अंदर 85 मिनट के आपके लेक्चर होंगे, 15 मिनट का बीच में ब्रेक होगा, ऑलमोस्ट 6 आवर्स हम लोगों को जो है एलएम के अंदर स्पेंड करने हैं उस एकेडमी के अंदर, तो 15 मिनट का बीच में ब्रेक और 85 मिनट के लेक्चर आप लोगों के जो है 4 लेक्चर आप लोगों के रहेंगे, उन लेक्चर में हम लोग मेन क्लासेस जो है हमारी कवर होगी, हमारा जो सिलेबस जो है वो कवर होगा, लेकिन एलएम का एक 3 टीयर सिस्टम बना हुआ है,
मान लीजिए मेन क्लास के अंदर हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो उसके लिए फिर डाउट सेशन होता है। डाउट सेशन जो है आपके मेन टीचर भी लेते हैं जो आपको पढ़ाएंगे, उसके अलावा 12 आवर्स राउंड द क्लॉक आप लोगों के जो है जो बी ब्लॉक होगा उस फर्स्ट फ्लोर में, वहां पर रेगुलर बेसिस पर डाउट काउंटर के लिए अदर टीचर भी अवेलेबल होंगे जो आपके रेगुलर जो है डाउट आपके सॉल्व करेंगे। एक कोटेशन जो है आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि भाई पूरी जिंदगी भर बुक पढ़ने से अच्छा है कि 5 मिनट का बुक पढ़ो, क्योंकि बच्चों में ज्यादातर ये होता है हेजिटेट होता है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे हंसेंगे मुझ पर क्या कहेंगे मेरे लिए, तो वो डाउट नहीं पूछते हैं और उन डाउट को मन में दबा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर अपने टीचर के साथ जो है आपको इन्वॉल्व होना है। और जब भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या कोई सब्जेक्ट में या टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है उसको तुरंत सॉल्व करना है। इसके अलावा हम लोग जब मान लीजिए डाउट में भी हमारी चीजें सॉल्व नहीं हुई, कुछ टॉपिक हमारे छूट भी गए, उसके लिए हम लोगों की रेगुलर इंटरवल पर जो है री क्लासेस भी प्लान होती है, तो वो री क्लासेस के अंदर भी हम लोग शेड्यूल रेगुलर जो है नोटिस बोर्ड पर देखते रहे, क्योंकि जो 15 मिनट का ब्रेक होता है वो इंटरवल ब्रेक आप लोगों के लिए एक तो रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए तो होता ही है कि हम लोग रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लें और थोड़ा सा फ्री हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए उस मोनोटोनस जो है शेड्यूल से, लेकिन साथ में नोटिस बोर्ड भी आप लोग रेगुलर बेसिस पर आपकी हैबिट रखें कि वो आप देखते रहें, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर ही सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके डाउट काउंटर्स का टाइमिंग क्या है, इसके अलावा जो अदर जो है उसमें टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, जो बच्चों के रिजल्ट हैं वो सब उसी पर लगते हैं। तो नोटिस बोर्ड को देखने की हैबिट जरूर डालो कि एवरी डे मैं ब्रेक के अंदर जब भी फ्री हूँ मैं एक बार नोटिस बोर्ड पर जरूर अपनी नज़र जो है वो देख लूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस पर हमें देखना जो है जरूरी है। फिर हम लोग जब ये 360 सिस्टम को जो फॉलो करेंगे बच्चों, तो अब टेस्ट यानी हमारे एलएनके टेस्ट होंगे, तो एलएनके टेस्ट में हमें क्या है प्रैक्टिस टेस्ट है एलएनके टेस्ट, एवरी 21 डेज यानी 3 वीक्स के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर नीट पैटर्न के अंदर ये टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज होंगे हर 21 दिन के अंदर 3 वीक्स में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मैंने आप लोगों को नाम दिया प्रैक्टिस टेस्ट, यानी ये हमें हमारी गलतियों को बताने वाले टेस्ट है, इसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप लोग ये सोचोगे कि भाई मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है मैं टेस्ट देने के अगर मेरे नंबर कम आएंगे ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन कभी भी पूरी नहीं होती है, आपको टॉप करेगा ना बच्चा उससे पूछूंगा तो कभी प्रिपरेशन उसकी भी पूरी नहीं होती। तो हमारी हैबिट रखिए कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर वो टेस्ट दें और उन टेस्ट से हमें ये पता लगेगा कि हमारी कहाँ वीकनेसेस है, कहाँ हम लोगों की कमजोरियाँ होंगी, कहाँ हमारी गलतियाँ होंगी, तो उन टेस्ट को देने की हैबिट हमारे डालें। इसके अलावा आप लोगों की जो है बोर्ड पैटर्न पे भी रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होंगे जो आपके सब्जेक्टिव बेस भी रहेंगे, जिनके आधार पर हम लोग आपका ये जो लिखने की हैबिट है राइटिंग हैबिट है वो भी आपकी बनी रहे और आपको बोर्ड में भी जो है प्रॉपर मार्क्स मिले उसके लिए जो है ये व्यवस्था की गई है। तो ये बोर्ड पैटर्न पर भी आपके रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होंगे, आपका बोर्ड पैटर्न पर भी एकेडमिक करिकुलम पूरी तरह से कंप्लीट होगा। पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा कि उनको कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे का बोर्ड में क्या होगा, क्योंकि पूरा एकेडमिक इवन तो हमारी इंग्लिश की क्लासेस भी बच्चों की लगती है रेगुलर बेसिस पर ताकि उनका इंग्लिश का जो है जो सिलेबस है वो भी कम्प्लीट हो, अदर देन नीट तो जो भी उनका एकेडमिक करिकुलम है फिजिकल एजुकेशन में मान लीजिए बच्चा है तो उसकी जो है वो सब चीजें भी पूरी होती है, इसीलिए एकेडमिक के लिए कहीं कोई एक्स्ट्रा जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कूल में जहाँ हमें जाना है तो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए हम लोग जा सकते हैं, एकेडमिक के रिगार्डिंग आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है। फिर हम लोग जब ये सारा जब एकेडमिक का जब टेस्ट का होगा, इसके अलावा हमें एक बात हो रहा है कि यहाँ जो अभी बैठे हैं 2000 बच्चे मान लीजिए इस फेज के अंदर रहते हैं तो उनसे तो हमारा कंपटीशन होता ही बच्चों, उसके अलावा रेगुलर बेसिस पर ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप लोगों के होंगे, तो जो भी नर्चर के बच्चे 11 के बच्चे जो पूरे ऑल इंडिया में एलएनके हैं उनसे भी हमारा कंपटीशन होगा, तो हमें हमारी स्ट्रेंथ पता लगेगी हम लोग कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ कर रहे हैं, कहाँ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी हम लोग जो है इसके अंदर रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस होता है। लेकिन अब बच्चों की आदत क्या होती है टेस्ट भी देके आ गए लेकिन आने के बाद जो है फ्री हो जाते हैं, तो एक हैबिट बनाओ अपनी स्टार्टिंग से ही, डिटेल में विजय सोनी सर आप लोगों को समझाएंगे, हैबिट बनाओ कि वो जो है टेस्ट देकर आने के बाद उसका एक नोटबुक बनाकर उसका एनालिसिस जरूर करें हम लोग, और उस एनालिसिस के थ्रू हम लोग ये पता करें कि हमारी कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए रॉन्ग हुए, कौन से हमारे बात करेंगे राइट हुए, कौन से हमने छोड़े, क्या रीजन रहा,
और उनका सॉल्यूशन क्या है। अगर सॉल्यूशन हमें समझ में आता है तो ठीक है, हमारे टीचर से बात कर लेंगे। तो वो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस टेस्ट का एनालिसिस अगर होता रहेगा और फिर अपने आप से कमिटमेंट होता रहेगा कि भाई अब मेरे को ये जो टेस्ट में जो गलती हुई है मुझे अगले टेस्ट में नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए, ये अगर हमारी 2 साल तक ये हैबिट बनी रहेगी तो मान के चलिए मेन एग्जाम तक आते आते हम लोग एररलेस हो जाएंगे और जितनी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो हमने पढ़ा है वो सब हम लोग जो है उस मेन एग्जाम के अंदर पूरा पूरा हमारा आउटपुट दे पाएंगे। तो ये हैबिट हमारी बने कि हर टेस्ट के बाद हम लोग उसका एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद उसका जो है जो कमिटमेंट करेंगे ये गलती हमसे रिपीट नहीं होगी। इसके लिए मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा कि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है एलन प्लस जो है, उस एलन प्लस के अंदर ऑनलाइन डाउट सेशन भी बच्चों अवेलेबल है जिसमें आप लोग ऑनलाइन डाउट सेशन भी जो है उसके अंदर अटेंड कर सकते हो। मान लीजिए आप रूम पर बैठे हैं उसमें जो है, लेकिन उसमें स्मार्टफोन की आवश्यकता है तो वो डाउट सेशन भी आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। लेकिन उस एलन प्लस की खास बात यह है कि हर टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस रिपोर्ट, माइक्रो एनालिसिस रिपोर्ट उसके अंदर डाली जाती है। तो मैं पेरेंट्स से भी ये चाहूंगा क्योंकि देखिए स्टूडेंट के साथ टीचर और टीचर के साथ पेरेंट्स, ये थ्री वे कम्युनिकेशन है, जब तक अगर पूरा कोऑर्डिनेट नहीं होगा तब तक बच्चे को सक्सेस नहीं मिल पाती। तो ये पेरेंट्स भी जो है बच्चे की हर टेस्ट के बाद उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उनको पासवर्ड दिया जाता है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसके बिहार पर बच्चे की परफॉर्मेंस खोल कर देख सकते हैं। तो उसमें पहले इतनी माइक्रो प्लानिंग होती है कि उसमें ये पता लग जाता है कि कहाँ बच्चा स्ट्रेंथ कर रहा है, कितने बच्चों ने क्वेश्चन राइट किया, कौन सा सिंपल था, कौन सा हार्ड था, कहाँ कहाँ बच्चे की प्रॉब्लम चल रही है, वो हम लोग भी जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एलन प्लस की खास बात है कि आप जब उसको देखेंगे उसमें पूरी उसकी समराइज रिपोर्ट जो बच्चे की है वो हमें मिलती रहेगी। तो रेगुलर बेसिस पर आप लोग भी जो है उसको देखते रहें, उसको रेगुलर बेसिस पर आप लोग भी चेक करते रहें। तो मेरा आप लोगों से बस ये कहना है कि पूरा मन लगाकर अपने बच्चों पढ़ाई करनी है और पूरा जो कमिटमेंट के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं वो हमारा सबका पहली बात करें। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग सबका स्वागत और अभिनंदन करें। गुड मॉर्निंग टू योर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेशन के अंदर। जो सिस्टम रहेगा, जो मैकेनिज्म रहेगा आपके पढ़ने का, वो सब आपको बता दिया गया है। निश्चित रूप से अगर ये सारा मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं बच्चों में तो सक्सेस बहुत नजदीक होगी हमें और आसानी से उस सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। सक्सेस की बात करें तो कुछ रिजल्ट यहाँ देख लेते हैं जरा। सबसे पहले इस पूरे हिंदुस्तान में कैसा इंस्टीट्यूट हुआ, एलन का इंस्टीट्यूट 2014 में दोनों ही स्ट्रीम्स के अंदर, मेडिकल आईआईटी दोनों स्ट्रीम्स के अंदर रैंक 1 और 2, ये लगभग इम्पॉसिबल था 2014 से पहले किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि एलन ने वो कर दिखाया कि हाँ 2014 के अंदर मेडिकल स्ट्रीम में भी और आईआईटी स्ट्रीम के अंदर भी दोनों में ही रैंक 1 और 2 हासिल किए यहाँ पर। और फिर एलन लाता जाना जाता है अपनी ही हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 2016 के अंदर फिर एक दोबारा हिस्ट्री क्रिएट कर दी यहाँ पर रैंक 1, 2, 3 एंड रैंक 1, 2, 3, क्योंकि अपने आप में एक मार्वलस रिजल्ट है। नाउ 2017 के अंदर फिर दोबारा एक आपके ही मेडिकल फील्ड में प्रिसाइज एग्जाम हुआ करता था, एम्स का एग्जाम। हालांकि अब तो सारे एग्जाम्स मर्ज होकर एक एग्जाम बन गया है नीट, यानी कि एम्स कॉलेजेस में भी अगर एडमिशन चाहिए तो हमें नीट का एग्जाम ही देना होता है। 2017 के अंदर रिजल्ट था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सिर्फ ये टॉप रिजल्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर देख लीजिए, लगभग 50% स्ट्रेंथ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की। उसमें भी अगर स्पेसिफिकली आप एम्स कॉलेज में जाते हैं तो अप्रोक्सीमेट मोर देन 60% स्टूडेंट जो होते हैं वो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के ही होते हैं। तो शुरुआत तो अच्छी कर चुके हैं आप लोग, अब निश्चित रूप से अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो आधा काम तो वहीं पर पूरा हो गया। अब इसको मैं कैसे और बढ़ाना आगे, 2019 के अंदर फिर दोबारा दोनों स्ट्रीम्स के अंदर रैंक 1 और 2, और 2020 के अंदर तो फिर एक हिस्टोरिकल रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था मेडिकल फील्ड में 720 out of 720, फुल ऑन फुल, लगभग इम्पॉसिबल था। पर इस इम्पॉसिबल शब्द को आई एम पॉसिबल वर्ड में कन्वर्ट किया यहाँ से हुआ था, इम्पॉसिबल वर्ड को आई एम पॉसिबल, समझ रहे हैं आपके पास बच्चों, आई एम पी ओ डबल एस आई बी एल टी, इम्पॉसिबल वर्ड को आई एम पॉसिबल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया स्वयं ने यहाँ पर 2020 के अंदर। और जैसे ही ये प्रोड्यूस हुआ
अब उसके बाद 2021 के अंदर लाइन लग गई 720 वाले बच्चों की, 3 स्टूडेंट 720 वाले। तो क्या मान गया, जब आप एग्जाम देने जाएंगे 2024 के अंदर तो कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं वहां पर 720 और 720 वाले? प्रॉब्ली बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ एग्जाम, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ एग्जाम, एग्जाम का लेवल किस तरह से रहता है। ठीक है, रिजल्ट्स हैं अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और साथ में स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के सभी टॉप मोस्ट अपने अपने स्कूल के टॉपर्स यहाँ के बैठ गए। अब होगी रियल कॉम्पिटिशन, अब होगा रियल फाइट इन बच्चों के बीच। ठीक है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर हम देखें IIT का एग्जाम, सुनना पड़ा बच्चों, बहुत ध्यान सुनिएगा, पेरेंट्स आप भी सुनिएगा, बच्चों आप भी सुनिएगा, क्योंकि हम 10th से 11th में मूव किए हैं अभी, और 10th टू 11th जब मूव करता है बच्चा और साइंस साइड में जाता है तो या तो वो बायो लेता है या फिर वो मैथमेटिक्स लेता है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा बच्चों, आपके से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायो इसलिए लिया है कि उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है? ईमानदारी से बायो इसलिए लिया है कि मैथमेटिक्स से डर लगता है? काफी बच्चों का गलतफहमी दूर कर दूं बेटा, ये इतना भी बच लो, बच नहीं पाओगे मैथमेटिक्स से, आप बच तो नहीं पाओगे ना, बायो आपने लिया है इसलिए कि सर आप बच जाए मैथमेटिक्स से, लेकिन आपको फिजिक्स पढ़नी है, और फिजिक्स पढ़नी मतलब कि आपको मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं किया तो निश्चित रूप से आपका जो फिजिक्स है वो वीक रह जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग वीक ये तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर कर दो बच्चों आप लोगों को। हर सब्जेक्ट का नेचर अपना अपना अलग अलग होता है, अलग नेचर उसका, हर सब्जेक्ट को सेम नेचर से अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो कुछ ना कुछ वीक रह जाएगा। फिजिक्स का अपना नेचर है, केमिस्ट्री का अपना नेचर है, और बायोलॉजी का अपना नेचर है। उस नेचर के अकॉर्डिंग आपने उस सब्जेक्ट को ट्रीट नहीं किया तो सब्जेक्ट वीक रहने का। एक कहावत सी होती है ना कि एक ही डंडे से सबको हाँकना, तो एक ही डंडे से आप सब तीनों सब्जेक्ट्स को नहीं हाँक सकते हो, हर एक का नेचर अलग अलग है। पहले आपको सब्जेक्ट का नेचर पकड़ना पड़ेगा, इसका वीकनेस क्या है या इसकी पकड़ क्या है। अगर सब्जेक्ट की नेचर को आपने ग्रिप में कर लिया तो फिर आप उस सब्जेक्ट पर आपके कमांड कर सकते हैं। हालांकि जब टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक के नेचर से आपको वाकिफ करवाएंगे कि बेटा इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक को ऐसे पढ़ा जाता है, तरीका ये होता है इसका, और आपको बस वही अडॉप्ट कर लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिजिक्स, फिजिक्स है कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा, और एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया और फिर उस पर बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली अगर, तो फिर वो सब्जेक्ट ग्रिप आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की फिजिक्स में उतनी ही बढ़िया पकड़ बनना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से, और उसी तरह से बायोलॉजी, इनके लिए कहा जाता है कि भूलने से पहले रिवाइज कर लो एक बार, बहुत जल्दी भूलते हैं। और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहा जाता है कि रात में पढ़ा, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ा सुबह सफा, इतनी जल्दी भूलने की प्रैक्टिस यहां बन जाती है, इसलिए कहा जाता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर, कि भूलने से पहले इसको रिकॉल कर लीजिए। अगर भूलने से पहले रिकॉल कर लिया तो समय बच जाएगा, अगर भूल गए और फिर दोबारा रिकॉल करने बैठ गए तो आपको फिर दोबारा उतना ही टाइम लग जाएगा जितना कि पहली बार में लग गया। तो भूलने से पहले इसको रिकॉल करना होता है। एक बात मैं आपसे कर रहा था कि IIT का एग्जाम एक अलग ट्रेन पर होता है और बड़वी का एग्जाम अलग ट्रेन पर होता है। थोड़ा सा बात समझिएगा, मैं डिप्रेस नहीं करना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, IIT का जो एग्जाम होता है मैथमेटिक्स में, आप लोग कहेंगे बच्चों की सर वहां तो बहुत तरीके से वहां डेरिवेशन और ये सब वहां पर होता है, एक्चुअली में वहां पर मिलते हैं अपने को कितना टाइम, 3 आवर्स का क्वेश्चन कितने होंगे, 60, और आपके कितने आने वाले होगा, 200 क्वेश्चन, अटेम्प्ट कितने करते होंगे, 180, टाइम कितना मिलेगा, 200 मिनट्स, लगभग लगभग 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना होगा, और 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करने के लिए आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर बहुत बढ़िया काम करना है। अब स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन कैसे की जाए, कैसे वो रैपिड रिविजन किए जाए, कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ बनाएंगे, उस तरीके में आपको बता रहा हूं, सब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। हाउ टू स्टडी,
नंबर वन ग्लास बोर्ड्स प्रॉपर्ली, सबसे पहला काम है ग्लास बोर्ड्स बहुत प्रॉपर तरीके से आपके बनने चाहिए, ठीक है। अब उस ग्लास बोर्ड्स में कैसे बनाना है आपको, अभी साइड पे देखिए आपको चार रजिस्टर, हर सब्जेक्ट में फोर रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। रजिस्टर नंबर वन आपके लेक्चर नोट्स के लिए होगा, जो आप क्लास में अटेंड करेंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसका भी एक तरीका सिखाऊंगा। सुनो करना क्या है, सब ध्यान सुनिएगा बेटा ना, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, आपको बहुत ध्यान से पूरे दो साल की तैयारी कैसे करनी है वो समझनी है, सीखनी है आज, ठीक है। नॉर्मल रजिस्टर आप पॉकेट से लेकर आ गए हैं, क्लास में पहुंच गया, अब आपका रजिस्टर देखा होगा नॉर्मली कैसा होगा, ऊपर की तरफ हल्का सा एक ब्लैंक स्पेस होता है ना, ऊपर की तरफ थोड़ा साइड में ब्लैंक स्पेस होता है, ऊपर वाला ब्लैंक स्पेस ब्लैंक ही रहेगा। क्लास में जब आप बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो जो आपके लाइन्स है ब्लू पेन से जो भी आप पेन इस्तेमाल करना चाहें वहां से लिखना शुरू करेंगे, जितना ब्लैंक स्पेस ऊपर की और है बॉटम पर भी उतना ही ब्लैंक स्पेस हमें छोड़ना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे, इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, ये काम करते हैं वन आई से वर्ड हेलो यू शुड क्लैप वन टाइम, ओके हेलो हेलो हेलो। मैंने कहा था वन एवर आई से वर्ड हेलो यू शुड क्लैप वन टाइम, हेलो हेलो अब पकड़ रहा था, हेलो 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 हेलो। जब जब मैं शिव शब्द का उपयोग करूँ आपको ये अच्छा इसलिए नहीं करना है, आज गलती से कल क्लास में सर वर्ड बोलते हैं हेलो और आप क्लैप नहीं कर सकते, यस अलर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अलर्ट नहीं करना क्या है, रजिस्टर है अपने पास ब्लू पेन से, मैंने पूरा रजिस्टर मेंटेन किया क्लास के अंदर, जो लिखा है सबने लिखा सारी बातें, ऊपर ब्लैंक स्पेस है और नीचे ब्लैंक स्पेस है, घर पहुंचे हमें उनको फिर से रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, तो हमने फिर से पढ़ा उस पेज को, तो लिखते हैं लाए हैं क्लास के अंदर से, अगर कोई डाउट आता है इस पेज पे कोई डाउट आता है तो उस डाउट को किसी दूसरे रंग के पेन से उस कॉपी के टॉप पे लिख दिया ब्लैंक स्पेस पर। अगर आपने क्लास नोट्स बनाए हैं ब्लू पेन से तो मालूम चला कि आपने अपने डाउट लिख दिया टॉप पर ब्लैंक पेन से। अब जब इस डाउट का सोल्यूशन मिलेगा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर या अपने क्लास में डिस्कशन से, जब भी मिलेगा उस डाउट का सोल्यूशन वहीं पर उस डाउट का सोल्यूशन भी ब्लैंक पेन से लिख देना है। उस पेज को जब आप पढ़ेंगे तो उस पेज की समरी समझ आती है आपको, चलिए इस पेज के ये की पॉइंट्स हैं, ये की वर्ड्स हैं, उन की वर्ड्स को बॉटम पर लिखना है। तो हुआ क्या ऐसे, हर पेज की समरी आपके पास है कुछ वर्ड्स के अंदर और हर पेज का डाउट आपके सामने रखा होगा। जब कभी भी महीने दो महीने तीन महीने बाद आप रिविजन करोगे बहुत आसानी से अपने रिविजन स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ हमें बॉटम से पढ़ना है टॉप पढ़ना है, पेज की समरी ये है और इसका डाउट ये है, उसका सॉल्यूशन ये है। तो अपने पास समरी भी रहेगी, अपने पास शॉर्ट नोट्स भी हाथ में हाथ तैयार होना शुरू हो गए और साथ में अपने डाउट्स भी हर वक्त अपने साथ में रहेंगे, तो बहुत आसानी से हम अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएंगे। करोगे बच्चों ऐसा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल, अभी आपको बताया प्रीवियस सेशन में कि आपके पास जो मॉड्यूल्स मिले हुए हैं उसके अंदर एक्सरसाइज भी रखी है, टीचर्स आपको हर रोज डेली होमवर्क दिया करेंगे, उस होमवर्क को प्रॉपरली सॉल्व करना है अपने इस रजिस्टर के अंदर, समझना था किस तरह से वो होमवर्क सॉल्व करना है। सपोज सर ने कहा कि आज मॉड्यूल में आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व करना, 1 टू 20 सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट तरीका है वो क्या है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व पढ़ा पहले ध्यान से, कॉपी पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ गया, मान लेते हैं अब ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप तुरंत पेजेस पलट कर आंसर की आंसर देते कि हां ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है कि नहीं यार, ऐसा आप कभी मत, ऐसा किया तो आप अपने दिमाग को तरह से पैरालाइज करना चाह रहे हो, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पहुंचोगे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे जैसे सवाल सॉल्व करोगे दिमाग बोलने वाला है आंसर देखो, अब वहां पर आंसर मिलना वाला नहीं बेटा, जब दिमाग को आंसर मालूम नहीं चलेगा तो वो कभी तैयार नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए, वो हमेशा कंफ्यूजनल स्टेट में बना रहेगा कि यार सही है गलत है। तो अपने दिमाग को शुरुआत से ऐसी प्रैक्टिस दो, ऐसी हैबिट दो जो कि हमें अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चाहिए। अगर 1 से लेकर 20 तक होमवर्क दिया है तो पहले पूरा सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर दिया आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर दिया आएगा, और सपोज मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको आया ही नहीं, समझ भी नहीं आया कि ये कहना क्या था, स्पेस छोड़ दीजिए, आप स्पेस छोड़ दीजिए,
सॉल्व करने के बाद अब आंसर की में से आंसर का चढ़ाओ कितने सही कितने गलत है। ध्यान को सुनिएगा, मालूम पड़ा आपने अपने आंसर किसे आंसर मैच करवाए, पहला आंसर सही, सेकंड सही, थर्ड सही, फोर्थ को छोड़ दिया था, फिफ्थ गलत हो गया, सिक्स गलत हो गया, सेवन गलत हो गया, बाकी सब सही। अब हुआ ये कि हम जो क्लास में पढ़कर आए थे और फिर हमने जब सॉल्व किया अपना होमवर्क, तो हमें मालूम पड़ गया कि हमारे वीक पॉइंट्स कहां कहां पर, वीक पॉइंट्स कहां कहां। एक ऐसा सवाल जो समझ ही नहीं पाए वो हमारी कमजोरी वीकनेस, ऐसे सवाल जब गलत कर बैठे वो हमारी वीकनेस। अब अगले एक घंटे के अंदर अंदर आपकी ये वीकनेस दूर करेंगे अपने क्लासरूम्स को फिर से पढ़ा, कि कॉन्सेप्ट क्यों समझ में नहीं आया, इस सवाल को मैं क्यों नहीं समझ पाई समझ पाया, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों गलत कर दिया, पूछा क्या था, मैंने सवाल को क्या किया है, परफॉर्मेंस क्या की है। हमें अपने आप के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी एक घंटे के अंदर, गलत हुआ तो क्यों हुआ, हर क्वेश्चन से लड़ाई करनी है, फाइट करनी है। हर इंसान को दो बातें बहुत अच्छे से याद रहती है, ताउम्र जिंदगी भर याद रहती है, एक उसकी जीत और एक उसकी हार। जीत शायद वो फिर भी एक बार भूल जाए, हार को इंसान कभी नहीं भूलता जिंदगी में। इसलिए हर क्वेश्चन से लड़ना है, फाइट करनी है, या तो उस पर जीत हासिल करनी है या उसे हारना है। जीत हमदब होती है जब फाइट होती है, लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि साहब कुछ नहीं है, छोड़ कर सर से पूछ लेंगे, नहीं भाई, सर से पूछना ही तो लास्ट ऑप्शन है, एकदम लास्ट ऑप्शन है। पहले खुद से ट्राई करो, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, अब तो हार माननी पड़ेगी। तब हार मानिए उससे, आप खुशी खुशी हार मानिए उससे कि मैं इस कॉन्सेप्ट से हार गया। अब जब वो कॉन्सेप्ट फिर से अपन समझ में आएगा, अपने सर से पूछेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, तो बच्चों निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब वो कॉन्सेप्ट आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। लड़ना पड़ेगा पहले, क्वेश्चन से लड़िएगा, फाइट करिएगा, फिर उसके बाद आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री रेसेस के लिए आपको रखना है, जो आपको मिलेगी उसको सॉल्व करना है समय समय, और क्वेश्चन नंबर फोर आपको मेंटेन करना है अपनी एनसीईआरटी बुक्स, कोई अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, कोई बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व अनसॉल्व, तो फिर उस रेशियो में सॉल्व करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नंबर टू रिवाइज मेल, जो भी सर क्लास में पढ़ाएंगे उसको रेगुलर बेसिस पर आपको करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। रिमेंबर द फॉर्मूला एंड थ्योरम्स, अब एक वर्ड यहां कंफ्यूजन स्टेट बनाता है कि सर आपने ये वर्ड रिमेंबर वर्ड क्यों लिखा, आपने अंडरस्टैंड वर्ड क्यों नहीं लिख दिया है, जो अच्छा वर्ड क्यों नहीं लिख दिया है, रिमेंबर वर्ड का यूज करने से क्या मतलब क्या है। देखो बेटा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे एक एग्जाम की बात की थी कि हमारा एग्जाम होगा नीट का, और इंजीनियरिंग साइड के बच्चों का एग्जाम होता है अपना जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, दोनों एग्जाम में बहुत डिफरेंस है। हमें मिलता है 1 मिनट पर क्वेश्चन, या 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, और वहां मिलते हैं लगभग लगभग 1 मिनट के क्वेश्चन के लिए, बहुत डिफरेंस है दोनों में। हाँ बिल्कुल, हर क्लास में पढ़ेंगे तो हर कॉन्सेप्ट को डिराइव किया जाएगा, हर फॉर्मूले को डिराइव करवाया जाएगा, लेकिन फाइनली जो कंक्लूजन आएंगे वो हमें याद रखने हैं। जब याद जरूरत है याद करने की, अगर भूल गए या याद नहीं आ रहा तो डिराइव कर लेंगे, नहीं बेटा एग्जामिनेशन हॉल में डिराइव नहीं कर पाओगे। हेलो भूल गए, हेलो हेलो, तो बेटा एग्जामिनेशन हॉल के लिए हमें 1 मिनट है एक क्वेश्चन के, और 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको पढ़ना भी है, 4 ऑप्शंस रीड करने हैं, परफॉर्म भी करना है 1 मिनट के अंदर अंदर, इवन तो फिर हमें ओएमआर शीट के बबल्स भी फिल करना है, यानी कि लेस देन 1 मिनट। जब तक कि आपको वो फॉर्मूले वो थ्योरम्स याद नहीं होगी तब तक 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा। इसलिए मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आपको आज घर जाकर करना है होमवर्क, होमवर्क यह है बस नहीं पाओगे मैथमेटिक्स, 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, और 20 तक के अंडर रूट्स आपको याद होने चाहिए। कर पाओगे बच्चों, कर लोगे आज, क्या आपका फर्स्ट होमवर्क है आज का 20 तक का टेबल्स, 20 तक के अंडर रूट्स एंड 20 तक के स्क्वायर्स ये आपको याद होने चाहिए, तो कंठस्थ याद होने चाहिए अगर आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है क्लास में और एग्जामिनेशन हॉल में, याद होने ही चाहिए। पॉइंट नंबर फोर,
डेली होमवर्क करना ही है। मैंने आपसे पहले उस विषय के माध्यम से बात करके ना रिव्यू द प्रॉब्लम्स डिस्कस द क्लास। जो भी क्लास में आपसे जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की जा रही है, न्यूमेरिकल से डिस्कस किए जा रहे हैं, उनको एक बार घर जाकर दोबारा सॉल्व करना है बिना उनका सॉल्यूशन देखे। सिर्फ रीडिंग ही मांग लेकर चाहिए क्वेश्चन का दिया है ऐसा आंसर ये है सर ने ऐसा ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिया, पढ़ना नहीं है परफॉर्म करना है दोबारा से बिना सॉल्यूशन देके उसको छुपा ले दिया और फिर खुद परफॉर्म करिएगा उसको। ठीक है ना, गिव एटलीस्ट वन सेटिंग ऑफ 3 hours 30 minutes डेली। आपने जो प्रोफेशन चूज कर लिया है ना ईश्वर के समतुल्य बनने के लिए, ईश्वर के समतुल्य बनने के लिए जो आपने प्रोफेशन चूज किया है आसान नहीं है, कटकर रहना पड़ेगा मैदान के अंदर और फिरते रहना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। रोज 3 घंटे 20 मिनट की स्टडी एक सिंगल सेटिंग में निकालनी चाहिए स्टूडेंट को, सिंगल सेटिंग में, क्योंकि एग्जाम भी कितने का होने वाला है 3 घंटे 20 मिनट में होने वाला है, 200 मिनट से होने वाला। अभी छोटे हो ठीक है, अभी आपका हैबिट पड़ेगा धीरे धीरे, तो मैं ये कहूंगा आपसे एटलीस्ट वीक में एक बार को करना। संडे आपका ऑफ रहेगा ना, तो एटलीस्ट संडे को जरूर करना, एक सिंगल सेटिंग के अंदर 3 घंटे 20 मिनट की स्टडी पर निकालना। करोगे बच्चे से जिस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन करोगे ना, ये वैसा ही रेस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। समय लग सकता है, ऐसा वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि किसी भी हैबिट को पढ़ने में एटलीस्ट 21 डेज 21 दिन लग जाते हैं, तो 21 डेज तक अगर आप ये रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड अट्रैक्शंस, मैंने आपको बता दिया है। हर सब्जेक्ट के अंदर में अच्छाइयां हैं कुछ की बुराइयां हैं, उनका अपना अपना नेचर है। जब तक नेचर के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट नहीं करोगे तब तक वो सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आता। ठीक है, नाउ एक बात और, ये सभी अभी आपको ट्यूशन में सारी बातें बता दी है, ये सब फैसिलिटीज बच्चों के लिए अवेलेबल है, आप इनका उनको अवेल करिएगा। जब तक इनको अवेल नहीं करोगे आपको फैसिलिटीज का मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये सब फीचर्स हैं यहाँ पर, एकेडमिक हेल्प डेस्क, कभी कोई तकलीफ आ जाए एकेडमिकली आपको तो काउंसलर्स बैठते हैं, एकेडमिक काउंसलर्स, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, अगर आपको परेशानी है किसी भी तरह की तो आप मिलिएगा उनसे, उन समस्याओं को लेकर बैठे मत रहिएगा, आइए हमारे पास, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज है आपके पास बच्चों। ठीक है, नाउ ये कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए गए हैं, कभी कोई समस्या आ जाए आपको तो ये पूरे कोटा में इतने ही हेल्पलाइन नंबर सब मुझे मैंने यहाँ दिए हैं, आप चाहे तो फोटोग्राफ ले सकते हैं बच्चों से। नाउ आगे बढ़ते हैं, लास्ट वर्ड माय वर्ड है वो है एडिक्शन। वैसे ये नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर देंगे ना, आप इतना परेशान मत होइएगा, आपके नोटिस बोर्ड पर जैसे योगी सर ने कहा था आपको कि आपको नोटिस बोर्ड बोर्ड को बहुत रेगुलरली स्टडी करना है तो वहां पर टाइम मिलते हैं। द लास्ट वर्ड इज एडिक्शन। एडिक्शन कई तरह के होते हैं लेकिन आजकल का एडिक्शन है बहुत आसान सा एडिक्शन है, अभी सभी ने अपने मोबाइल बाहर निकाल कर जो फोटो खींचा था वही एक खतरनाक एडिक्शन है, जितना हो सके उस एडिक्शन से बचना। स्मार्टफोन का यूज करना आसान काम नहीं है, स्मार्टफोन का यूज करने के लिए आपके को बहुत स्मार्ट करना पड़ता है, बहुत स्मार्टली इसका यूज करना पड़ता है। अगर आपने इसका स्मार्टली यूज नहीं किया ना बेटा तो जब तक ये जेब से बाहर आएगा एक घंटे से कम समय लेकर नहीं जाएगा, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसका यूज करना है, बेवकूफ बनकर इसका यूज नहीं करना। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे पहले वो डिलीट कर देना अगर बना रखा है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कोई मतलब नहीं बातों का, 2 साल के बाद आपको जितने ट्विटर हैंडल ओपन करने हैं कर लीजिएगा, जितने फेसबुक अकाउंट ओपन करने हैं कर लीजिएगा, लेकिन 2 सालों के लिए तो तपस्वी बनकर हमें यहाँ पर रहना है और निश्चित रूप से उसका यूज करना है मोबाइल का उसी तरह से। ठीक है, और दूसरी बात तो गेम्स होते ना वो मोबाइल के अंदर उसको भी डिलीट कर दीजिएगा। मोबाइल का यूज सिर्फ और सिर्फ 2 कामों के लिए है, पहला काम अपने पेरेंट्स से बात करनी है और दूसरा काम अपनी स्टडीज में अगर एलएम प्लस पर संबंधित कोई बात है, सिर्फ एलएम प्लस
ऐसा नहीं हम यूट्यूब खोल कर वहां पढ़ना शुरू कर देते। तो बेटा हर एक टॉपिक पर हजारों तरह की वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब के अंदर, गूगल क्रोम के ऊपर बहुत चीजें पड़ी हुई है, लेकिन कौन सी चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़ना है, अच्छा उन पढ़ा ज्ञान और देना खास मतलब। तो हमें उस बातों को उलझना कभी भी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए और अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए इस मोबाइल फोन का यूज करना है और किसी भी काम के लिए इस मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है। हेलो हेलो, क्या आप सब बच्चों मेरी बात समझ गया है? क्या ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो कि वाकई आप इस मोबाइल का यूज बहुत स्मार्टली करेंगे? बच्चों करेंगे? अपना हाथ लगाएंगे, हम बताओगे हाँ सपोर्ट करोगे यस, हम वाकई पीछे तक ग्लास तक। चलिए बैठ जाए, बहुत बढ़िया बेटा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। उम्मीद करूंगा जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करोगे और समय समय पर आपके मोटिवेशनल सेशंस होते रहेंगे क्योंकि हम मिलते रहेंगे आपके, और उस वक्त भी ये बातें होती रहेंगी कि अब आपको कैसे पढ़ना है, यानी हर स्टेप पर आपको डायरेक्शंस देते रहेंगे कि अब आपको कैसे पढ़ना है, अब क्या करना चाहिए, अब किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। क्लासेस में और सेशंस में सब आपको सुविधाएं देते रहेंगे। अब आपको कैसे पढ़ना है, अब क्या करना चाहिए, अब किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। Thank you, sir. Good morning, everyone. किसी लड़की से डॉक्टर बनोगे क्या? मैं एनर्जी देखना चाह रहा था। एनर्जेटिक होना चाहिए या नीलमिला होना चाहिए? चेक करना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं क्या गड़बड़ है। या तो हो सकता है आपने नाश्ता नहीं किया हो, या हो सकता है कि इतना ज्यादा कर लिया हो कि नींद आ रही हो, और या हो सकता है कि डॉक्टर ने मना किया हो एक्साइटेड होने के लिए, जोश दिखाने के लिए, एनर्जी दिखाने के लिए मना किया गया डॉक्टर ने, और या हो सकता है इस एक्साइटमेंट पे जीएसटी लग गया हो, ऐसा भी है नहीं है, तो फिर किस बात की कमी है। विद फुल एक्साइटमेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लगाएंगे आप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले। तो मैं देख रहा हूं कि सर आप तो बार बार तालियां बजा रहे थे अलर्ट करने के लिए, अलर्ट करना पड़ रहा है। डॉक्टर बनना है तो 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, अलर्ट करना पड़े हॉस्पिटल से कहेंगे हेलो तमाम तालियां बजाओ तमाम हॉस्पिटल जाओ, ऐसा नहीं क्या? अरे आपको अलर्ट 24 घंटे लगे। और मैं देख रहा हूं कि बड़े बराबर देख रहा था उदास उदास होकर बैठे, ऐसे काम नहीं चलेगा, उदास होकर डॉक्टर नहीं बन सकते। उदास रहते हो तो कच्चे लगते हो, मुस्कुराते हो तो बच्चे लगते हो, और हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। तो जरा हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा आपका? कैसा आएगा? हंसता मुस्कुराता वही आएगा। और ये हंसने मुस्कुराने से ब्रेन एक्टिव रहता है, और ब्रेन एक्टिव रहता है तो अपनी पूरी बॉडी भी एक्टिव रहती है, और सब कुछ एक्टिव रहेगा तो रिजल्ट भी तो बहुत अच्छा है। चलिए बच्चों आज यहाँ पर आप न्यू ड्रीम न्यू डिजाइन न्यू होप न्यू अपॉर्चुनिटी न्यू एनर्जी के साथ आए हैं पहले पर, ये आपका सौभाग्य है। और आज आपके साथ आपके प्यारे प्यारे पेरेंट्स आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो जरा प्यारे प्यारे पेरेंट्स के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो आप तो डॉक्टर बनने का है यस सर? और आप देखना बच्चों कभी बंद मत करना, और ये वो जिंदगी है जिसमें काम नहीं है, और एक काम पूरा हो जाए तो दूसरा देखिए, दूसरा हो जाए तो तीसरा देखिए, तीसरा हो जाए तो चौथा देखिए, देखते रहिए काम को। और अगर एक काम में सफल नहीं हुए तो ख्वाबों की वैरायटी भी बहुत सारी है, दूसरे ख्वाब को पकड़े। लेकिन जिंदगी
जिंदगी में पाप देखना बंद मत करिए। जब जिंदगी है तो पाप है, बहुत है तो मंजिल है तो रास्ते है तो मुश्किलें हैं, मुश्किल है तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, विश्वास है तो एलम है, और एलम है तो जीत आपकी है। और ये ख्वाब को जीत में बदलने का जो सफर है, ये इन स्टेप्स में पूरा होता है। इन स्टेप्स को बहुत अच्छी तरह आपको समझना है। ये है जीत की मैकेनिज्म बताई है। मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें मैकेनिज्म का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप में डिस्क्राइब करना। तो ये डिफरेंट स्टेप है, तो आपको जीतने में बदलने वाली जो रिएक्शन है उसकी डिफरेंट स्टेप है, इसलिए इसको कह रहा हूं मैं जीत की मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आप देखिए, जिंदगी तो ख्वाब है, बहुत है ना मंजिल है, अब इसके आगे की जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजिल है तो रास्ते हैं, बच्चों ध्यान रखना, अगर रास्ता खूबसूरत है तो कदम बढ़ाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि इसकी मंजिल कहां जाती है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत रास्तों की मंजिल गड़बड़ी ही होती है। और अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह मत करना, टेढ़ा मेढ़ा ऊबड़ खाबड़ कैसा भी रास्ता हो, चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना, खूबसूरत मंजिल तो मिलके रहेंगे फिर आपके। और ये और रास्ते में मुश्किल तो नहीं, आसान नहीं होता किसी भी, यानी खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी आसान हो, ये इतना आसान नहीं होता। और मुश्किलें तो जिंदगी में दुनिया में सब इंसान को दी, जो भी ऊंचाई पर पहुंचा है वो आसान रास्ते से नहीं पहुंचा है, मुश्किलों का सामना करके पहुंचा है। और क्यों पहुंचा है? मुश्किलों से लड़के पहुंचा है। और ये मुश्किलें ऊपर वाले ने हर इंसान को दी है, लेकिन जिस जो भी इस मुश्किलों से लड़ता गया है वही आगे भी बढ़ता गया है, आगे पढ़ाई वही है जो मुश्किलों से लड़ता गया। तो मुश्किलें किसके लिए है? लड़ने के लिए। और लड़ने के लिए आपको सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने, लेकिन अपन करते क्या है? आपस में लड़के उस एनर्जी को जो दिया हुआ है ऊपर वाले का उसको वेस्ट कर देते हैं, जबकि इसको जो आपको दिया ऊपर वाले ने उसका यूज किसने करना है? मुश्किलों से लड़ने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए। यही एक रास्ता है खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का। तो मुश्किलों से आपके पास दो चॉइस बची है, या तो मुश्किलों से फाइट करिए या फ्लाइट करिए, या तो लड़िए या भागिए। कौन सी चॉइस पसंद करेंगे? यस, फाइट करने वाले की आवाज तेज आती है। क्या करेंगे आप? फाइट करेंगे। किससे करेंगे? मुश्किलों से। आपस में नहीं फाइट, आपस में नहीं करेंगे, आपस में नहीं। मुश्किलों से फाइट करना है। अरे मुश्किलों से भागना आसान होता है, और जिंदगी में हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है मेडिकल कॉलेज होता है। तो आप लड़ेंगे तो मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। और मुश्किलें आएंगी तो कई बच्चे क्या करते हैं, मुश्किलें आती हैं सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये क्या फिजिक्स की, क्या बाकी केमिस्ट्री की, कोई बायो की मुश्किल है? सर पकड़ कर नहीं बैठना है, पकड़ना है तो हौसले को पकड़े, क्योंकि मुश्किलें तो क्या है? हौसला है। तो ये हौसले को पकड़ लीजिए, और ये हौसला अगर बुलंद कर दिया तो फिर मुश्किलों की क्या औकात है जो आपके मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को रोक पाए, फिर उसकी औकात नहीं है। पर वो करना क्या है? मुश्किलों को आसान करना है। तो क्या पकड़ना है? सर नहीं पकड़ना, उससे कुछ नहीं होगा। पकड़ना क्या है आपको? हौसला पकड़ लीजिए। ये मत कहो किसी से कि मेरी मुश्किलें बढ़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा हौसला बढ़ा है। और ये हौसला बढ़ा कर लिया तो मुश्किलें आपकी आसान होते चले गए, और हौसला बढ़ा कर लिया और मुश्किलों को आसान कर लिया तो फिर आपके अंदर क्या आ जाएगा? विश्वास। हौसला है तो विश्वास है, और ये विश्वास जीत का सबसे बड़ा टॉनिक है। कहीं बाजार में जाके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है इस टॉनिक के लिए,
कि आपको अपने अंदर खुद जनरेट करना पड़ेगा विश्वास। जीत कौन ही है, इंसान हारता ही तभी जब विश्वास हार जाता है। और आपको करना क्या है, देखिए किस तरह से जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है, सांस की जरूरत पड़ती है, श्वास की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से जीतने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ती है। जीना है श्वास की जरूरत है, और जीतना है तो विश्वास की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह से। और विश्वास वाला टॉनिक आपने अगर ले लिया तो फिर जीत आपकी पक्की, और आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए एलन भी आपके साथ रहेगा ना। विश्वास को खोना नहीं है, विश्वास खोना तो सबसे आसान तरीका है। जरा सी रैंक नीचे ही विश्वास खो दिया, लेकिन जरा सी रैंक ऊपर आई विश्वास पा भी लिया, लेकिन फिर रैंक नीचे आई फिर खो दिया। तो न खोना है न पाना है, एक सबसे कठिन काम जो को ग्रेट मोटिवेटर और पिलर ऑफ आयरन और गणेश सर का सपोर्ट बहुत हुआ उनका बड़ा जोरदार आदमी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी एनर्जी से डॉक्टर बनोगे क्या? मैं एनर्जी देखना चाहता था, एनर्जेटिक होना चाहिए या मिला मिला होना चाहिए, चेक करना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। या तो हो सकता है आपने नाश्ता नहीं किया हो, या हो सकता है कि इतना ज्यादा कर लिया हो कि नींद आ रही हो, और या हो सकता है कि डॉक्टर ने मना किया हो एक्साइटेड होने के लिए, जोश दिखाने के लिए, एनर्जी दिखाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, और यह हो सकता है इस एक्साइटमेंट पे जीएसटी लग गया हो, ऐसा भी है नहीं है, तो फिर किस बात की कमी है। विद फुल एक्साइटमेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लगाएंगे आप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले, और मैं देख रहा हूं कि सर आप तो बार बार तालियां बजा रहे थे अलर्ट करने के लिए, अलर्ट करना पड़ रहा है, डॉक्टर बनना है तो 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, अलर्ट करना पड़े। हॉस्पिटल से कहेंगे हेलो तब आप ताली में जाओ, तब आप हॉस्पिटल जाओ, ऐसा है क्या? अरे आपको अलर्ट 24 घंटे है। और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बराबर देख रहा था, उदास उदास होकर बैठे, ऐसे काम नहीं चलेगा, उदास होकर काम तो नहीं बन सकते। उदास रहते हो तो कच्चे लगते हो, मुस्कुराते हो तो बच्चे लगते हो, और हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। तो जरा हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा आपका, कैसा आएगा, हंसता मुस्कुराता वही आएगा। और ये हंसने मुस्कुराने से ब्रेन एक्टिव रहता है, और ब्रेन एक्टिव रहता है तो अपनी पूरी बॉडी भी एक्टिव रहती है, और सब कुछ एक्टिव रहेगा तो रिजल्ट भी तो बहुत अच्छा है। चलिए बच्चों आज यहाँ पर आप न्यू ब्रेन, न्यू डिजाइन, न्यू होप, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू एनर्जी के साथ आए हैं एलन पर, ये आपका सौभाग्य है। और आज आपके साथ आपके प्यारे प्यारे पेरेंट्स आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो जरा प्यारे प्यारे पेरेंट्स के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो आप तो डॉक्टर बनने का है, यस सर? और ख्वाब देखना बच्चों कभी बंद मत करना, और ये वो जिंदगी है जिसमें ख्वाब नहीं है, और एक ख्वाब पूरा हो जाए तो दूसरा देखिए, दूसरा हो जाए तो तीसरा देखिए, तीसरा हो जाए तो चौथा देखिए, देखते रहिए ख्वाब को। और अगर एक ख्वाब में सफल नहीं हुए तो ख्वाबों की वैरायटी भी बहुत सारी है, दूसरे ख्वाब को पकड़े। लेकिन जिंदगी में ख्वाब देखना बंद मत करिए, क्योंकि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिल है, मंजिल है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, विश्वास है तो एलन है, और एलन है तो जीत आपकी है। और ये ख्वाब को जीत में बदलने का जो सफर है, ये इन स्टेप्स में पूरा होता है। इन स्टेप्स को बहुत अच्छी तरह आपको समझना है, ये है जीत की मैकेनिज्म बताई है। मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें मैकेनिज्म का मतलब होता है कि
किसी भी रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप में डेस्क्राइब करना। तो ये डिफरेंट स्टेप है, तो आपको जीवन में बदलने वाली जो रिएक्शन है उसकी डिफरेंट स्टेप है, इसलिए इसको कह रहा हूं मैं जीव की मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आप देखिए जिंदगी तो फॉर्म है, बहुत है ना मंजिल है, अब इसके आगे की जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजिलें हैं तो रास्ते हैं बच्चों, यहां तक क्या, अगर रास्ता खूबसूरत है तो कदम बढ़ाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि इसकी मंजिल कहां जाती है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत रास्तों की मंजिल गड़बड़ी ही होती है। और अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह मत करना, टेढ़ा मेढ़ा ऊबड़ खाबड़ कैसा भी रास्ता हो चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना, खूबसूरत मंजिल तो मिल के रहेंगे फिर आपके। और ये और रास्ते में मुश्किल तो नहीं, आसान नहीं होता किसी भी, यानी खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी आसान होती है, इतना आसान नहीं होता। और मुश्किलें मुश्किलें तो जिंदगी में दुनिया में सब इंसान को दी, जो भी ऊंचाई पर पहुंचा है वो आसान रास्ते से नहीं पहुंचा है, मुश्किलों का सामना करके पहुंचा है। और क्यों पहुंचा है, मुश्किलों से लड़ के पहुंचा है। और ये मुश्किलें ऊपर वाले ने हर इंसान को दी है, लेकिन जिस जो भी इस मुश्किलों से लड़ता गया है वही आगे भी बढ़ता गया, आगे बढ़ाई वही है जो मुश्किलों से लड़ता गया। तो मुश्किलें किसके लिए हैं, लड़ने के लिए। और लड़ने के लिए आपको सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने, लेकिन अपन करते क्या है, आपस में लड़के उस एनर्जी को जो दिया हुआ है ऊपर वाले का उसको वेस्ट कर देते हैं, जबकि इसको जो आपको दिया ऊपर वाले ने उसका यूज किसने करना है, मुश्किलों से लड़ने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए। यही एक रास्ता है खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का। तो मुश्किलों से आपके पास दो चॉइस बची हैं, या तो मुश्किलों से फाइट करिए या फ्लाइट करिए, या तो लड़िए या भागिए, कौन सी चॉइस पसंद करेंगे? यस, फाइट करने वाले की आवाज तेज आती है, क्या करेंगे आप, फाइट करेंगे, किससे करेंगे, मुश्किलों से, आपस में नहीं फाइट, आपस में नहीं करेंगे, आपस में नहीं, मुश्किलों से फाइट करना है। अरे मुश्किलों से भागना आसान होता है, और जिंदगी में हर पहलू एक इम्तिहान होता है, डरने वाले को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है मेडिकल कॉलेज होता है। तो आप लड़ेंगे तो मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। और मुश्किलें आएंगी तो कई बच्चे क्या करते हैं, मुश्किलें आती हैं सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, ये क्या फिजिक्स की, ये क्या केमिस्ट्री की, कोई बायो की मुश्किल है, सर पकड़ कर नहीं बैठना है, पकड़ना है तो हौसले को पकड़े, क्योंकि मुश्किलें तो क्या है, हौसला है। तो ये हौसले को पकड़ लीजिए, और ये हौसला अगर बुलंद कर दिया तो फिर मुश्किलों की क्या औकात है जो आपके मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को रोक पाए, फिर उसकी औकात नहीं है। पर वो करना क्या है, मुश्किलों को आसान करना है। तो क्या पकड़ना है, सर नहीं पकड़ना, उससे कुछ नहीं होगा, पकड़ना क्या है आपको, हौसला पकड़ लीजिए। ये मत कहो किसी से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा हौसला बड़ा है, और ये हौसला बड़ा कर लिया तो मुश्किलें आपकी आसान होते चली जाए। और हौसला बड़ा कर लिया और मुश्किलों को आसान कर लिया तो फिर आपके अंदर क्या आ जाएगा, विश्वास। हौसला है तो विश्वास है, और ये विश्वास जीत का सबसे बड़ा टॉनिक है। कहीं बाजार में जाके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है इस टॉनिक के लिए, ये आपको अपने अंदर खुद जनरेट करना पड़ेगा विश्वास, ये टॉनिक है। इंसान हारता ही पड़ती जब विश्वास हार जाता है। और आपको करना क्या है, देखिए किस तरह से जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है, सांस की जरूरत, श्वास की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से जीतने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ती है। जीना है श्वास की जरूरत है, और जीतना है तो विश्वास की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह से। और विश्वास वाला टॉनिक आपने अगर ले लिया तो फिर जीत आपकी पक्की, और आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए
एलन भी आपके साथ रहेगा ना। विश्वास को खोना नहीं है, विश्वास खोना तो सबसे आसान तरीका है। जरा सी रैंक नीचे ही विश्वास खो दिया, लेकिन जरा सी रैंक ऊपर आई विश्वास पा भी लिया, लेकिन फिर रैंक नीचे ही फिर खो दिया। तो ना खोना है ना पाना है, एक सबसे कठिन काम जो कोई अलग से नहीं मिला उसको साधन। लेकिन इसी साधन साधन सबको बराबर दिया है, लेकिन कई बच्चे सेलेक्ट भी नहीं हो पाए, सेलेक्ट भी नहीं हो पाए। तो साधन तो सबको मिल रहा है, उसका यूज करना आना चाहिए, और यूज करने के लिए सनक होनी चाहिए। एक ही चीज की जरूरत है, सनक होगी तो साधन भी यूज होगा और सुविधा भी यूज कर पाएंगे। और तीसरा है समय। समय कौन दे रहा है? समय दे रहा है ऊपर वाला। आप और हम देखिए दुनिया में रंग रूप भाषा लैंग्वेज वगैरह पहनावा वगैरह सब अलग अलग दिए हैं। अपन शिकायत कर सकते हैं ऊपर वाले से, उसको ज्यादा दिया, उसको कम दिया, उसको ऐसा दिया, उसको वैसा दिया, लेकिन ऊपर वाले ने एक चीज में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर दिया है। वो दिया है समय, 24 आवर्स, किसी के पास ज्यादा कम है क्या? सबको बराबर दिया है 24 आवर। और ये इसलिए दिया है कि इसका जो जितना ज्यादा यूज करेगा वही उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और जो भी ऊंचाइयों पर पहुंचे उन्होंने केवल समय का, ऊपर वाले के दिए हुए समय का भरपूर यूज किया है। समय के साथ एक चीज और होनी चाहिए, समझ। ये दोनों अगर एक साथ है तो कामयाबी मिलती ही नहीं, क्योंकि अक्सर देखा है कि अगर समय है और समझ नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलती, और जब समझ आती है बाद में तब फिर समय निकल जाता है। अभी आपके पास समय है कि समझ अपनी लगा लो कि इस समय को कैसे मेरे को यूज करना है, तो ये आपका समय समझ मिलकर आपको कामयाबी दे जाएगा। और जब बाद में समझ आएगी तब तो निकल जाएगा ना ये समय, क्योंकि जो 24 घंटे हैं ऊपर वाले ने कितने टेक्निकल उसमें दिए, 24 घंटे आज दिए, आज ही उसका यूज करेंगे तो ठीक है, कल नया मिलेगा। आप सोचे तो पैसे की एमपी कराते थे, लेकिन ऊपर वाले के दिया हुआ जो समय इसकी एमपी नहीं करा सकते, फिक्स डिपॉजिट नहीं करा सकते, ये इसको बाद में काम में ले लेंगे अपन, होता ही कैसा है? नहीं, अगले दिन नए 24 घंटे हर दिन देता है ताकि आप जागो और उसका यूज करना सीख जाओ। और जिसने समय का यूज करना सीख लिया उसने सफलता का रहस्य सीख लिया। बस आप समय का यूज करना सीख जाओ। और अभी सर ने बताया कि समय को चुराने वाला कौन है, सबके पास है, और बहुत बहुत शातिर है वो हमारे, जो आपके समय को कैसे चुरा लेता है आपको पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मेरा समय कैसे निकल गया। ये समझ आनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि समय के साथ समझ होनी चाहिए। आपसे कहा जाए कि स्मार्टफोन का यूज मत करो, कहना पड़ रहा है फिर तो कैसे जाएंगे मेडिकल में? पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसका यूज मत करो, टीचर्स कह रहे हैं, हम कह रहे हैं स्मार्टफोन का यूज नहीं करना है, फिर भी आप कहते हैं तो फिर कहना पड़ता है, वो नहीं कह सकते। जो अपने स्मार्ट वही है जो खुद अपने कंट्रोल रखे, वही तो स्मार्ट होता है। तो वो अगर यूज करना उसको सीख लिया, जैसे पेरेंट्स से बात करना है उनकी परमिशन के लिए, तो ये मोबाइल का यूज करना ठीक है, बाकी फालतू की चीज होता क्या है? देखिए आप डेली एक्सपीरियंस जो आपने किया होगा, पेरेंट्स ने भी किया होगा, होता क्या है कि जैसे टाइम देखने के लिए आजकल घड़ी कम देखते हैं, मोबाइल से टाइम ज्यादा देखते हैं, यही खतरनाक है। टाइम देखने के लिए आपने मोबाइल देखा, अब मोबाइल जो ही उठाया तो टाइम देखना तो गया एक तरफ, आप घुस गए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहां कहां घुसे, और फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि मैंने किस लिए मोबाइल को उठाया, होता ही नहीं। और कितना आसानी से कितने शातिर पने से वो आपके समय को चुरा लेते। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं देना चाह रहा हूं कि नासा के साइंटिस्ट जो हैं, नासा के वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने कई सालों की मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद इस बात का पता लगा लिया है कि मोबाइल के बिना भी जीवन संभव है। समझ तो आ गई बात, देख ली आगे।
मोबाइल के बिना भी जीवन संभव, नासा के वैज्ञानिक का नाम लेना पड़ता है, हमारी बात तो मानते नहीं है, इसलिए नासा के साइंटिस्ट की बात करी। यस और नो, संभव है कि नहीं? हाँ, तो समय का यूज करना जिसने सीखी है बस उसी ने सफलता करना जिससे सीखी है। समय हो गया, अब बचा क्या? सुविधा हो गई, साधन हो गया, समय ऊपर वाला दे रहा है, आप क्या लगाएंगे? यस, कुछ तो लगेगा ना आपका। और ये सारी चीजें यूज कब होगी? जब आपके अंदर सनक होगी। और ये आपको खुद को ही अपडेट करने पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं देगा। सनक, पागलपन, वो जिद और जुनून, ये खुद के अंदर ही होना चाहिए और ये खुद की चीज है। करके देख लीजिए इसको। अगर आपने देखिए क्या है कि बहुत आलीशान बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बंगला है, उस बंगले में बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, उस बंगले में बड़े बड़े एलईडी टीवी लगे हुए, उस बंगले में बड़े बड़े फ्रिज लगे हुए, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे हुए, लेकिन उस बंगले में इलेक्ट्रिसिटी करंट सप्लाई नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं है, क्या होगा? सब यूज हो जाएगा क्या? फ्रिज तो कपड़े रखने में काम आ जाएगा, यही तो करते हैं, हो सकता है क्या? इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ये सनक जिन जुनून नाम का करंट अगर आपके अंदर नहीं है तो ये सुविधा भी यूज नहीं कर पाएंगे, ये एलन के साधन का भी यूज नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाले का दिया हुआ समय भी यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर सनक जिन जुनून नाम का करंट नहीं। बात आ रही है समझ में? ये करंट बहुत जरूरी है। जैसे बिजली की सप्लाई बिना कुछ भी यूज नहीं कर सकते, वैसे सनक जिन जुनून के बिना भी आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। और बच्चों एक बात मैंने कहा, एम्स तक के जाने से कोई रुक नहीं सकता, और एम्स में जाना, आप घर से कहकर आए होंगे, आप पड़ोस वालों से रिश्तेदार से एल एम में जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए या एम्स में जाने के लिए, और वो लोग कह देते हैं दुनिया वाले कि मेडिकल कॉलेज में जाना या एम्स में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों बोलते थे। अरे दुनिया वाले कहते हैं कि एम्स में जाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि एम्स में जाना और मेडिकल कॉलेज में जाना तो केवल और केवल बच्चों का खेल है, क्योंकि आज तक हमने बच्चों को ही मेडिकल कॉलेज और एम्स में जाते हुए देखा है। बड़ों को तो इलाज करवाने जाते हुए देखा, बड़े तो इलाज करवाने जाते, बच्चे पढ़ने जाते, डॉक्टर बनने जाते। तो आपको हर कामयाबी एम्स में जाना भी बच्चों का खेल बनाना है, बनाना है कि किसी भी फील्ड में कोई भी कामयाबी को आप बच्चों का खेल बना सकते हैं। कब? जब आप अपने अंदर बच्चों के गुणों को जिंदा रखें तो बच्चों का खेल बनेगा। बच्चों के गुण बचपन में ऊपर वाले ने दिए हैं, हर बच्चे को दिए हैं, वो गुण आप बड़े होकर भूल जाते हैं, और बड़े होकर भूल जाते हैं जबकि उन गुणों को अभी आपको करियर में अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई कर दिया तो आपके लिए भी मेडिकल कॉलेज में जाना और एम्स में जाना बच्चों का खेल बन जाएगा। अब वो कौन से बच्चों के गुण हैं वो भी देख लीजिए, क्या क्या गुण है बच्चों के? खुश रहना बच्चे का गुण है, खुश रहता है वो, हर हाल में खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो न कल में जीता है, न तो पास्ट में जीता है, न फ्यूचर में जीता है, वो तो आज में जीता है, इसलिए कुछ कहता है। इस गुण को समझिए, ये सबके लिए, बड़े के चाहे छोटे हो, सबके लिए खुश रहने का एक मंत्र है। न पास्ट में जीता है, न फ्यूचर में जीता है, आज में जीता है, इसलिए खुश रहता है। और यही चीज आप अपने अंदर आज से अप्लाई कर लेना कि आपको ना आपके क्या होता है, रैंक टेस्ट होंगे, रैंक बिगड़ गई अगर किसी टेस्ट में, तो आज के दिन आप पिछले टेस्ट जो हुआ है उसके बारे में सोचेंगे, और जब रैंक बिगड़ गई तो क्या खुश होकर सोचेंगे या दुखी होकर सोचेंगे? दुखी होकर सोचेंगे। कब दुखी हो रहे हैं? आज दुखी हो रहे हैं। तो आप किससे दुखी हो रहे हैं? पास्ट से। और फिर क्या सोचेंगे? आप पता नहीं दे रहा है क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो आप पास्ट से सीधे फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और आज को भूल जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको खुशी देने वाला है। ये पांच फ्यूचर भी आपकी आज की खुशी को चुराने वाले सबसे बड़े चोर हैं।
एक पांच फीचर है, दो चोर जो है वो आप अपने पास आने मत दीजिए, ये आपकी आज की खुशी को चुरा लेते हैं, बड़े आसानी से चुरा लेते हैं। तो आज को पास्ट क्या होता है? अरे पास्ट एक घटना है, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक कल्पना है, और आज अरे आज तो अपना है, इसको पकड़ के रखिए, आज को पकड़ के रखिए। आज को पकड़ने का मतलब है कि आज सारी एनर्जी जो आज क्लास में पढ़ाया उसको घर पर रिवाइज करने में, समझने में, याद करने में पूरी एनर्जी, आज की एनर्जी आज लगा दीजिए। दिमाग में रखिए वो आज ही पढ़ना, कल नहीं पढ़ना, हर दिन आज होता है, कितना अंदर से मुझे मिलती है, आज पढ़ना, पूरी एनर्जी आज लगा दीजिए। और आज आपने बेस्ट कर लिया तो फ्यूचर तो अपने आप बेस्ट हो जाएगा, और आज आपने बेस्ट कर लिया फिर सोते समय आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे? आज आपने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली, बायो स्ट्रॉन्ग कर ली, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर ली, ये सोच के सो जाइए, और फिर सोने से पहले गुनगुनाइए, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, इसने आज की तो बात है। आज आपने बेस्ट कर लिया तो आज आप आगे बढ़ गए, बाकी जिन्होंने नहीं किया आज को बेस्ट वो पीछे रह गए। तो ये आज को बेस्ट करना सीखिए, फ्यूचर अपने आप बेस्ट हो जाएगा। दूसरा गुण है बिजी रहना। बच्चा जब तक सोता है तब तक ठीक है, लेकिन जो जगता है उसके बाद से वो बिजी विदाउट वर्क, कोई काम नहीं था, कोई टारगेट नहीं है, लेकिन वो खाली नहीं बैठता, आलसी नहीं बैठता, वो किसी न किसी काम में बिजी रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ भी करेगा, खेलेगा, कूदेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, कुछ भी करेगा, छेड़ेगा, इसको तो परेशान करेगा, लेकिन बिजी रहता है। लेकिन अब आपके पास एक टारगेट आ गया कि मेरे को 2024 में मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो बिजी उसी तरह से रहना है जैसे मैं बचपन में बिजी रही, बिल्कुल उसी तरह से बिजी रहना है, लेकिन केवल एक ही टारगेट के लिए कि मेरे को 2024 में मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो पढ़ाई में बिजी रहना है। 24 घंटे जो आपको मिले थे इसमें 24 घंटे पढ़ाई की होती है, उस 24 घंटे में से आपको 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है अच्छी पढ़ाई के लिए। अच्छी पढ़ाई के लिए बिजी आपको 6 से 7 घंटे नींद में रहना भी हुआ आपका जरूरी है, और फिर अच्छा खाना, नहाना धोना, खाना पीना, इसमें भी टाइम चाहिए, अच्छी पढ़ाई है तो अच्छा खाना चाहिए, नहाना धोना भी जरूरी है अच्छी पढ़ाई के लिए, इसमें से समय निकाल लीजिए, जरूरी है समय निकाल के, उसके बाद जो भी टाइम मिलता है उसमें कितना भी पढ़ लीजिए। पढ़ने से आज तक किसी को बीमार होते हुए नहीं देखा, बीमार पड़ता किससे? नींद नहीं आएगी, कम सोएंगे या गलत खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे बीमार नहीं पड़ेगा, और आप कुछ भी अनचट कुछ भी खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये बिजी रहने का मतलब है कि आपको 24 घंटे में से इन चीजों में भी टाइम निकालना है, ये भी बिजी रहने में इंक्लूड होता है, और बाकी टाइम पढ़ाई में बिजी। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी एंड नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। लेजी होना बच्चे का कौन होता है? अगर आप लेजी रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, बिजी रहे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा गुण जो है वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये बचपन से ही ऊपर वाले ने दी है क्यूरियोसिटी का गुण। बच्चा हर चीज में क्वेश्चन करता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। वो पेरेंट्स से पूछेगा, अपने भाई बहन से पूछेगा, कोई रिश्तेदार आएंगे उनसे पूछने लग जाएगा, लेकिन वो पूछता ही रहता है, और जब तक उसके समझ में नहीं आ जाए पीछे पड़ा रहता है बच्चा, होता है कि नहीं। और यही गुण अब आपको अपने करियर में अप्लाई करना है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की चीजें समझ में आनी चाहिए, समझ कर याद करना है, समझ में आनी चाहिए, और जब तक समझ में नहीं आ जाए उसके पीछे पड़े रहना है। क्लास में समझाएंगे, वहां समझने की कोशिश करिए, रह गया वहां पर, घर पर अपना जोर लगाकर समझने की कोशिश करिए, और जब अपना जोर लगाकर कोई चीज समझने की कोशिश करते हैं और वो समझ में आ जाती है, उसकी खुशी की बात ही कुछ अलग होती है। और फिर भी नहीं आता है, आपस में डिस्कस कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए आप, और फिर भी रह जाता है तो आपके लिए डाउट काउंटर लगे हुए रहते हैं, उसका पूरा पूरा यूज कीजिए। अगर एलएम पर रहकर आपके कोई बात समझ में नहीं है, इसका मतलब है कि आपके अंदर पीछे पड़ने में, उस चीज को समझने के पीछे पड़ने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है।
पीछे पड़ेगी, उसको एनालाइज करेंगे मैं कहीं ना कहीं मेरे में कमी है जो पीछे नहीं पड़ पा रहा, पीछे रहेंगे और समझ में जाएंगे पॉसिबल है, अलग में रहकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और चौथा है जिद करना। जिद करने का जो गुण है ये बचपन से ही होता है, हर बच्चे में होता है, बचपन से जिद करने वाला गुण होता है। वो जिद नेगेटिव है या पॉजिटिव वो बच्चे को उसकी समझ नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे जिद कर रहा हूँ, ये अच्छी है बुरी है, वो तो जिद करता है। पेरेंट्स के साथ वो बाजार में जाएगा और उसको कोई चीज पसंद आ गई, वो जिद करेगा ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, नहीं देना होगा तो सड़क पर लौट जाएगा, रोने लग जाएगा, सड़क पर ही लौट जाएगा, मम्मी पापा की इज्जत का फालूदा बना देगा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो वो चीज चाहिए ही चाहिए, वो चीज उसको मिल जाती है। अब आपको मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए जिद केवल एक जिद आज आप पकड़ लीजिए, उसी तरह से पूरी करिए जैसे बचपन में पूरी करते थे कि ये मेरे को 2024 में जो भी मेडिकल कॉलेज चाहते हैं ये मेडिकल कॉलेज मेरे को चाहिए ही चाहिए। बचपन में आपकी जिद कराने के लिए आपके पेरेंट्स उसको पूरी करा देते हैं, और अब आप अगर जिद करते हैं कि 2024 में मेरे को ये मेडिकल कॉलेज चाहिए ही चाहिए, उसको हम पूरी करेंगे, यानी तो आपके साथ। लेकिन जिद तो करिए, आप जिद तो करिए कि मेरे को 2024 में ही मेडिकल कॉलेज में जाना है, और ऐसे बच्चों के साथ मैंने हर समय तैयार रहता है, और तैयार रहता है तो जो चाहता है वो मिल जाता है उसको, उसी जिद से एमसीए फर्स्ट में का ही, उसी जिद से 720 में 720 मार्क्स भी आए बच्चों के। क्लियर हो गया, ये चार गुण आपको समझने जरूरी थे, बचपन के गुण है, लेकिन इसको अगर अभी अप्लाई करने में तो आपका जो कामयाबी है एम्स में जाना वो भी बच्चों का खेल बन जाए। एक मैं आपको आज ही समझ लेना, एक कौन बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं कौन नहीं जा पाते, एक सिंपल मैथमेटिक उससे मैं आपको समझा। देखिए बच्चों, आपको ये सबको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए कौन कौन से काम करना चाहिए, जानते हैं आप, सब जानते हैं क्या क्या करना चाहिए मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी नींद, अच्छा खाना, ये एलएन में पूरे अलर्ट होके एलएन की पढ़ाई करना, ये सब काम आपको करने चाहिए, और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए ये भी आपको मालूम है, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए उनको करेंगे तो नहीं जा पाए ये भी मालूम है। तो बस ये दो चीजें दिमाग में रखना, फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, प्लस का मतलब है जो काम आपको करना चाहिए, इंटू माइनस वो काम आप नहीं करते, रिजल्ट क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस का मतलब जो काम आपको नहीं करना चाहिए इंटू प्लस वो काम आप करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस नेगेटिव, प्लस इंटू प्लस जो काम आपको करना चाहिए इंटू प्लस वही काम आप करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा। एक और बचा है माइनस इंटू माइनस, जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप नहीं करते, तो भी रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा। अब जाना है तो प्लस इंटू प्लस में रहेंगे, माइनस इंटू माइनस में रहेंगे, गारंटी है कि वो बच्चा जाएगा ही जाएगा मेडिकल कॉलेज। क्लियर हो गया। और देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब आपके लिए कई बच्चों को लगता है कि मुश्किल है, कई बच्चों को लगता है ये आसान है, लेकिन ये सारा खेल जो है ये केवल आपके मानने का है। जो बच्चा मान लेता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है तो उसके लिए वो नामुमकिन भी बन जाता है, और जो बच्चा ये सोचता है कि इसको मैं आसान करूंगा आसान है उसके लिए आसान भी हो जाता है। तो ये आसान बनाने वाले गाना मेरे साथ गाइया कोई बताइए, आसान सच हूँ
क्या क्या बुरा है उसकी सेल्फी लीजिए, बुरे को डिलीट कर दीजिए और अच्छी जो सेल्फी अंदर की जो अच्छाई की सेल्फी है उसको सेव करिए। और सेल्फी लेने में कितना टाइम लगता है जो लेते हैं रोज आप, कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड लगते हैं। अरे सेल्फी लेने में कुछ सेकंड लगते हैं बच्चों, लेकिन इमेज बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। और आपको अपनी इमेज बनाने का समय शुरू होता है अब। और ये दो साल आप ऐसी मेहनत करके जाइए, ऐसी मेहनत करके जाइए, ऐसी मेहनत करके जाइए कि दुनिया वाले आपका नाम फेसबुक पर नहीं गूगल पर सर्च करें, कुछ ऐसी मेहनत करके। चलिए अब आपको मैं कमिटमेंट कराना चाहता हूं, करेंगे आप कमिटमेंट? पूरी एनर्जी से बोलेंगे, तीन वर्ड्स पुलवामा बोलेंगे, ना थकेंगे, पीछे में आवाज नहीं आई, ना थकेंगे ना हटेंगे, बस डटे रहेंगे। कोई डटे रहना ही आपके हाथ में है, इसको हाथ से गिरने मत देना, और डटे रहे तो ना थकेंगे ना हटेंगे, ठीक है? आप सबने कमिटमेंट कर लिया, हम एलएम परिवार की तरफ से कमिटमेंट करना चाहते हैं कि हम आपको भूल जाएं, ये हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाएं, ये हम होने नहीं देंगे। हम यहां से कैसे निकलना है? उधर वाले गेट से जाएंगे और अपने अपने कमिटमेंट को शो करते हुए जाएंगे। कमिटमेंट को शो कैसे करना है? हाथ हिलाते हुए अपने अपने कमिटमेंट को शो करना है। और पेरेंट्स भी कमिटमेंट करें कि अपने बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि उसका टारगेट क्या है, ठीक है जी? सब अपने अपने कमिटमेंट को शो करेंगे, और शो कैसे करेंगे मैंने बता दिया, हाथ हिलाते हुए जाएंगे और यहाँ से उठेंगे, हमारी ये बात भी सुनते चले जाएंगे, उठिए अपने अपने कमिटमेंट को शो करिए और हमारी बात ये सुनते चले जाएंगे।